पिछले 4 सप्ताह से इसराइल गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। इससे वहां के 23 लाख लोगों पर मानवीय संकट खड़ा हो गया है। इजरायली हमले में अब तक कुल 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 1/4 बच्चे हैं। इसराइल पर गाजा में संघर्ष विराम करने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि संघर्ष विराम का मतलब हमास के आगे घुटने टेकने के बराबर होगा। इससे साफ जाहिर है कि इसराइल गाजा पट्टी में लंबे समय तक सैन्य ऑपरेशन चलाने के मूड में है। इस बीच खबर है कि इसराइल अंतर्राष्ट्रीय दबावों से बचने के लिए इसराइली सरकार के खुफिया मंत्रालय ने गाजा पट्टी के 23 लाख लोगों को मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थानांतरित करने के लिए एक युद्धकालीन प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है, जिसकी फिलिस्तीनियों ने जमकर निंदा की है। इस मुद्दे पर इसराइल का काहिरा के साथ भी तनाव बढ़ गया। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में खुफिया मंत्रालय की इस रिपोर्ट को एक काल्पनिक अभ्यास करार दिया है। इसराइल के गुप्त गाजा प्लान ने पड़ोसी देश मिस्र के डर को और गहरा दिया है कि इसराइल गाजा को मिस्र की समस्या बनाना चाहता है। उधर गाजा प्लान ने फिलिस्तीनियों को 1948 के सबसे आघात की यादें ताज़ा करती हैं, जब इसराइल गठन के समय संघर्ष की वजह से हजारों लोगों को अपना घर द्वार छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा था। इसराइल के इस गुप्त प्लान पर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रोडिनेह ने दो टूक कहा, 1948 में जो हुआ वो दोबारा नहीं होने देंगे। हम किसी भी स्थान पर किसी भी रूप में स्थानांतरण के खिलाफ हैं और हम गाजा को एक लाल रेखा मानते हैं जिसे हम हरगिज पार नहीं होने देंगे। बड़े पैमाने पर विस्थापन एक नए युद्ध की घोषणा के समान होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।